जय माता दी। साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको नया पर्यायवाची ट्रिक बताऊंगा जो हर माह की तारीख 14 व 28 को मैं अपलोड करता हूँ। यदि आप इस चैनल में प्रथम बार विजिट कर रहे हैं और आप पर्यायवाची याद करना चाहते हैं, आपको पर्यायवाची याद कर नहीं हो रहे हैं, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल में बहुत ही सुंदर तरीके से पर्यायवाची के ट्रिक याद करवाया जाता है। पर्यायवाची रटाए नहीं जाते हैं, इससे बताए सिखाए जाते हैं ऐसे सुंदर सुंदर तरीके से, जिसे आप आसानी से देखकर ही याद कर सकते हो। अर्थात अब आपको पर्यायवाची याद करने का कोई झंझट नहीं है। तो वास्तव में जो मैं कह रहा था, आप चुटकियों में पर्यायवाची याद कर सकते हैं। क्या यह सच है? जी हाँ, ये सच है। नरक के पर्यायवाची याद करना है तो यम का, नरक में कौन रहता है? यम रहता है। तो सुंदर सा पर्यायवाची हमने क्या बनाया? यम नरक में। अरे जी हाँ, यम नरक में, क्योंकि यम कहाँ रहता है? नरक में। तो पर्यायवाची भी हमने क्या बना दिया? हमने पर्यायवाची का ट्रक ही बनाकर रख दिया, यम नरक में। अब इसके देखिए पर्यायवाची क्या होती है। तो पर्यायवाची अब आपको याद करना ही नहीं है, क्योंकि आपको वैसे ही पता है कि यमराज कहाँ रहते हैं? नरक में। तो नरक के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? नरक के निम्न पर्यायवाची होंगे। पहला होगा यम, तो यम से बन जाएगा यमालय। यम का पर्यायवाची, नरक का पहला पर्यायवाची बनेगा यम से, तो यमालय। यमपुरी, एम लोग। आप सोचते होंगे काश हमने इस चैनल को पहले देख लिया होता तो याद करने का झंझट नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि हमारे चैनल में जो पर्यायवाची के ट्रिक बताए जाते हैं वो अद्वितीय होते हैं, जिसका सामान कोई नहीं होता है। अर्थात एक बार आपने इस चैनल ट्रिक को देख लिया तो आपको अब याद करने की झंझट नहीं है। तो नरक का पहला पर्यायवाची के याद करने का सुंदर सा ट्रिक है यम नरक में। यम से हो जाएगा यमालय, यमपुरी, यम लोग। दूसरा है नरक, तो नरक से क्या बन जाएगा? नरक से बन जाएगा नरक और नरक। यह थे आपके नरक के पर्यायवाची शब्द। मैं जो यहां पर है ये साइलेंट है, तो नरक के आपने पर्यायवाची बिना किसी मन परिश्रम, कोई मेहनत, कुछ भी किए एक ही मिनट में याद कर लिए, यम नरक में। तो सुंदर सा पर्यायवाची हमने ट्रक दिया यम नरक में। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह जो आप जानकारी देख रहे हैं, नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। साथियों, मिलते हैं फिर नए ट्रक के साथ अगले इस माह की 28 तारीख को। जय माता दी। साथियों।